सब लोग हैं घर में माया है पत्नी का भी है बच्चों का भी है सात सुख बताए लोगों तो मेरा मानना है कि पहला सुख निर्णय का है ये मैं चाहता हूँ पहला सुख जो है जिंदगी में नहीं होता है तो धन दौलत कितनी भी आप प्राप्त हो बेटे भी आज्ञाकारी हो पत्नी भी पति रखता हो सब कुछ ठीक है घर में अगर आप बीमार हो तो आपको जिंदगी में मजा नहीं आता है बीमार है कोई सुख नहीं तो हमने ये काम आपने लिया हुआ है और हम लोग स्कूल तक घर घर तक जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर हम चाहेंगे कि हर घर के अंदर ये अलग जगह आपका आशीर्वाद से कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े सरकार ने दवाई फ्री कर रखी हिंदुस्तान में कहीं नहीं राजस्थान में मैंने पहली बार जो मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था तब हमने दवाई फ्री कर दी टैक्स फ्री कर दिए खून की जाँच हो चाहे सोनोग्राफी हो चाहे डायलिसिस हो और गुजरे हुए हैं 60 साल ऊपर उनके लिए सिटी स्कैन और एमआरआई फ्री कर दिए इस रूप में हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया आयुष्मान भारत ने अनाउंस कर लिया है कि भारत सरकार ने दिल्ली में अब 5 लाख तक का बीमा हो गया है उन लोगों को जिनको खाद्य सुरक्षा में अनाज मिल रहा है इस प्रकार से सरकार की तरफ से बहुत कदम बढ़ाए गए आगे हम चाहेंगे कि जनता का सहयोग मिले जिससे कि हेल्थ के सेक्टर में हम लोग बहुत आगे बढ़ सके हमने पशु की दवाई फ्री कर दी आपको याद होगा पिछली बार जब मैं आपके आशीर्वाद से इंदौर में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ तीसरी बार बना था तो हमने दवाई फ्री करी मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी गौशालों के लिए अनुदान के लिए हमने व्यवस्था करी है सरकार मतलब ने निर्देशालय बना दिया बाद में विभाग बन गया तो गौशालाओं के अंदर मिल रहा सरकार से तो सब तरह से हम चाहते हैं कि समाज में चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो कोई सेवा हम कैसे करते हैं हमारा परम कर्तव्य परम धर्म है उनके निवास में सरकार अपना काम आगे बढ़ाती जा रही है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ये संप्रदाय है ये अपने आप में एक संदेश देता है गांधी जी के वक्त में भी आपको मालूम है गांधी जी के 50वें चल रहे हैं उनके जो प्रिय भजन है वैष्णव जन तो कहने के लिए जो वीर पढ़ाई चाहिए आप सोच सकते हो कि वैष्णव जन उनको कहिए दूसरों की पीड़ा को समझ सकता हो इस प्रकार के भाव हम लोग सुनते रहते हैं संत महात्माओं से हमें प्रेरणा मिलती है ये सोच करके ही मैंने उसी समुदाय के मैं कल ही मैंने इतना करी मुझे खुशी की बात यह है कि समारोह के आयोजकों ने वाराणसी से बदभाते रामप्रसाद जी से मेरे ऑफिस में बात करी अचानक मैं दिल्ली से आ रहा था रास्ते में देखे कौन कौन प्रोग्राम एक पेंडिंग है एक प्रोग्राम मुझे मोहनदास जी महाराज साहब बल मिल गया और आप कल्पना कीजिए उनका आदेश जिनके नाम का मार कर ये समर्ण हुआ है आप सोच सकते हो कि वो सभी आत्मा है उनका आदेश हुआ होगा कि अचानक ही लिस्ट देखना हुआ अचानक ही मैं दिल्ली में था जयपुर आ रहा था हवेदार के मैंने देखा लिस्ट पढ़ी और आपका 20 तारीख का प्रपोज किया हुआ था और कल 19 तारीख की मैंने कहा क्या करें तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं संभव होगा चले जाएंगे बड़ी खुशी है कि कल दोपहर को कल कितने बजे कल रात को मैंने इतना कहा भाई और महाराज जी ने उसको स्वीकार किया इतने कम नोटिस के अंदर आप सबके सहयोग से आप सबके भावनाओं से तादाद में आप लोग पुरुष और महिलाएं बहनें माता से बैठी हुई है और किसी घूंघट नहीं है बड़ी बात है एक अग्रह चला रखा मैंने घूंघट हटाओ अग्रह चला रखा मैंने आप बताइए महिला को हम कैद करके रखते हैं घूंघट के अंदर कैद करके रखते हैं क्या बीतती होगी उसके ऊपर क्या बीतती होगी बताओ और संकोच हमारे को कहती नहीं है ससुर जी को सासू जी को घूंघट में रहती है अब जो महिला पढ़नी चाहती है या जो राजीव गांधी जी ने 74-73 अमेंडमेंट किया नगर निकाय में पंचायतों में चेयरमैन प्रधान प्रमुख बन रही है मेरे साथ बैठी हुई हमारी ओम कुमार जी महिला सचिव बन गई वो भी तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद में देखा है कि जो निर्वाचित होती महिला है पहले मेरे घूंघट में स्वतंत्र मंत्री बैठती थी पति आके हमारे पास बैठ जाते थे मीटिंग खत्म होती है पूछते हुए आप क्या हो सर मैं तो मेरी पत्नी सरपंच नीचे बैठी हुई है मैं वो नीचे क्यों बैठी तू ऊपर क्यों बैठी हूँ
चलो मैं सरपंच पति हूँ, कोशिश कर दिया आपने, सरपंचपति, प्रधानपति, प्रमुखपति, देशपति, मैं भी गलत था। धीरे धीरे वो घूमट है, महिलाओं के ऊपर आ गया और महिला कहती है पति में आप घर में रहो, मैं अपना सम्मान लेता। इतना फर्क पड़ गया है महिलाओं में, घूमट हटते जा रहे हैं। और जो संत महात्मा के प्रवेश में आती महिला है, मेरे ख्याल वो घूमट में रहती है। इसके बारे में घर से बाहर निकलती है, दुनियादारी देखती है, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, चांद पे जा रहे हैं, मेरे ऊपर जा रहे हैं, मनुष्य चांद पे जा रहे हैं और हम लोग घूमने बंद है, कैसे काम चलेगा? चांद पे कोई कल्पना कर सकता है? विश्वास नहीं जनों को चांद पे कोई मनुष्य गया है और हम लोग घूमने में कैसे काम चलेगा? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे समाज आगे बढ़ेगा? गुजरात में कोई घूमट नहीं है, राज्य में कोई घूंघट हमें नहीं है, हमारे राजस्थान में घूंघटी प्रथा बहुत पहले चल जाता है। अब धीरे धीरे हटाना चाहिए, हम पुरुषों से आप अपील करेंगे, वो आगे आए। महिला खुद नहीं कह सकती, वो संकोच में रहती है। पुरुष प्रधान मुल्क है, पुरुष प्रधान देश है, उनकी ड्यूटी है वो ये क्रांतिकारी कदम उठाए, घर की महिलाओं को शिक्षा दिलाए। जो लड़की पढ़ जाती है, आप बताइए पढ़े की लड़की पढ़ती पढ़े के अंदर नौकरी करती है, शादी कर लेती है, घूंघट निकालती है क्या? कोई नहीं निकालती, वो पढ़वे नहीं करती, पति कहते कि मैं घूंघट नहीं निकालूंगी, हिम्मत आ जाती है करने की। ये शिक्षा के ऊपर जोड़ दो, कोई भी घर में परिवार में आज पड़ोस में एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित रहे, ये संकट हम सबका होना चाहिए। मैं अपील करूंगा आप लोगों से, ये मौके होते हैं रामधारा के, हम लोग पावन धाम बैठे हुए हैं, यहाँ जाए तो घर से संकल्प लेके जाए, यहाँ से घर तो कैसे आने वाले वक्त के अंदर शिक्षा में जोड़ देना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें भागीदारी निभानी है। रामराज महाराज साहब का मैं बता भाई हूँ कि इनका बहुत इसलिए मेरे पति रहता है, मुझे टाइम कम मिलता है इसलिए पूरी बात हो नहीं पाती, और मुझे खुशी है कि वे जिस प्रकार से घूम घूम करके कभी जयपुर में कभी हरिद्वार में देखते रहता हूँ आपके प्रोग्राम, मुझे बहुत खुशी होती है कि समझाएंगे जो भावना है संतों की, जितना आपने मुझे बताया था वो लिस्ट मेरे पास में कार रखी है। ठीक है, समझदार लोगों की कमी नहीं है देश में, समझदार लोगों की कमी नहीं है, जेब में बोल के नीचे से परेशानी वाला था। शिवरामी महाराज साहब, मोहम्मद रानी महाराज साहब, सुभद्रा जी महाराज साहब, सुभद्रा जी महाराज साहब, हरसुखदास जी महाराज साहब, श्री राम बल्लभ जी महाराज साहब, श्री अभय राम जी महाराज साहब और श्री मोहम्मदास जी महाराज साहब, इनके नाम का मनोरंजन हुआ। अभय राम जी महाराज साहब का संबंध मेरे से था और मोहम्मदास जी महाराज साहब का था, अच्छी साथ थे मेरे, वो स्वच्छता के आज उनके नाम का नामांतर हुआ है। ये मार्ग अपना प्रेरणा दे रहा हूँ, सब लोग सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोग हम मिल चुके हैं और देश को एक अखंड रखें मजबूत बनाए, ये बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। राम से समाचार पत्र निकलता है, आज 25 साल पूरे हो गए, 26वें साल में प्रवेश किया है, आज इस मौके जय सिंह की भाषा जिन्होंने ये पूरा कार्य मैनेजमेंट किया है आज का, और ये वृक्षारोपण उनका स्वागत